आप चाहे कितने भी सुंदर हो, लेकिन अगर आपका दांतों का रंग खराब है तो आपकी सुंदरता अधूरी है। अगर आपके दांतों में पीलापन है या सड़न हो तो आप कभी भी किसी के सामने तो बात करने में हिचकिचाने लगते हैं, या आप खुल के हंस नहीं पाते, या फिर आपको शंका रहती है कि आपके दांतों को लेकर लोग बातें बनाएंगे, तो इन सारी समस्याओं से आपको घरेलू नुस्खों से निजात दिलाने की कोशिश करूंगी। पहले हम जानते हैं कि हमारे दांत पीले क्यों होते हैं। अगर दांतों का पीलापन होने का बात करें तो सबसे पहला कारण है अच्छी तरह से दांतों का सफाई ना करना, जिसके कारण से आपका दांत पीला हो जाता है। दूसरा कारण है मुंह के बैक्टीरिया की। अगर आप मुंह की सफाई ठीक से नहीं करते तो बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और आपके दांतों का रंग खराब हो जाता है। तीसरा कारण है दांतों का सड़ना। अगर आप अच्छी तरह से दांतों की सफाई नहीं करते हैं तो आपके दांतों में सड़न होने लगती है और आपके दांतों का रंग खराब होने लगता है। चौथा कारण है तंबाकू का सेवन। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनके दांतों का रंग खराब हो जाता है, क्योंकि इसमें निकोटीन होता है जो हमारे दांतों को पीला कर देता है। पांचवा कारण है बढ़ती उम्र। ज्यादा उम्र के लोगों का दांत पीले होने लगते हैं। इन सारे वजहों के कारण हमारे दांत पीले होने लगते हैं। अब जानते हैं इसको दूर कैसे करें। दांतों के पीलेपन से छुटकारा पाने के लिए रोज एक सेब को चबा चबा कर खाना चाहिए। इससे आपका दांतों का रंग तो साफ होता ही है, साथ ही आपका हेल्थ भी ठीक रहता है। या आप सेब के सिरके का इस्तेमाल करें। एक चम्मच सेब के सिरका को एक छोटा गिलास पानी में मिलाकर सुबह गरारे करें और बाद में ब्रश कर लें। इसे हफ्ते में 3 बार करें। ये पीलेपन को हटाने में काफी मदद करता है। दूसरा है बेकिंग सोडा। दांतों के पीलेपन को दूर करने के लिए हम बेकिंग सोडा का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका दांत अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। जब आप ब्रश या दातुन करते हैं उस वक्त थोड़ा बेकिंग सोडा मिला लें और धीरे धीरे अपने दांतों को साफ करें। थोड़े ही दिनों में आपको असर दिखने लगेगा। तीसरा है नीम। नीम का दातुन करने से आपके दांतों का रंग ही नहीं बल्कि दांतों का सड़ना, मुंह का बैक्टीरिया आदि में भी लाभदायक है। इसका नियमित उपयोग करने से आपके दांतों का अच्छी तरह से सफाई हो जाती है, साथ ही आपके मुंह में किसी तरह का कीड़ा नहीं लगता। चौथा, हल्दी। दांतों के सफाई के लिए हल्दी बहुत ही कारगर है। हल्दी आपके दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाता है, साथ ही ये बैक्टीरिया से आपके दांतों को मुक्त करता है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। हल्दी पाउडर को अपने उंगलियों से दांतों पर धीरे धीरे मले 2-3 मिनट तक और फिर ब्रश कर ले। पांचवा है नमक। हम सभी जानते हैं नमक दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कितना उपयोगी है। नमक में सोडियम और क्लोराइड अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जो दांतों को पीलेपन से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। जब आप ब्रश करते हैं तो अपने पेस्ट में थोड़ा नमक लेकर ब्रश करें, बस चुटकी भर लें, ज्यादा न लें, और आप देखेंगे कि आपका दांत साफ दिखने लगा। ये नुस्खे हैं दांतों के पीलेपन को दूर करने का। लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है तो ये नुस्खे काम नहीं करेगी। इस नुस्खे के साथ आपको इन विटामिन की कमी को भी पूरा करना होगा। दूसरी बात, अगर आपकी उम्र बुजुर्गों में आती है तो आपको ये नुस्खा काम नहीं करेगी, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हमारी दांत ही नहीं पूरा शरीर ही अपना रंग रूप परिवर्तित करती है, और जो चीजें समय के साथ होती है उसमें कोई नुस्खा काम नहीं करता। अच्छी आदतें अपनाएं। सुबह और रात को सोने से पहले 2 बार ब्रश जरूर करें। ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले अपनाएं, या नीम, बबूल, किसी का दातुन अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह के हेल्थ वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। मेरा नाम है अनीता, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।